नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा बाबू ITI ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग माइक्रोमीटर पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? माइक्रोमीटर। हम इस क्लास में जानेंगे माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन पूरा जानेंगे, उसका प्रिंसिपल सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसको हम लोग इसमें जानेंगे, उसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए सीखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे और किस किस रेंज में हमारा माइक्रोमीटर पाया जाता है उसको भी हम इसमें सीखेंगे। उसके साथ साथ इसका जब आगे क्लास आएगा या फिर इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो सब में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड करते हैं, उस चीज़ को एक स्पेशल क्लास देंगे जिसमें वो निकालने के लिए बताएंगे। और रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर का मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम उसका सेपरेट अलग अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आप देख के वहाँ से क्लियर कर पाएंगे सब चीज़ को, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग माइक्रोमीटर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है? माइक्रोमीटर है। क्या है? माइक्रोमीटर है, जिसका हम लोग ओरिजिनल माइक्रोमीटर को भी देखेंगे, ठीक है। इस तरह से छोटा सा बॉक्स में आता है हमारा, उसमें उसका रेंज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ होता है, कौन सा सिस्टम का ये माइक्रोमीटर है वो भी चीज़ हमारा इसमें लिखा हुआ होता है। इसके साथ साथ हमारा ये माइक्रोमीटर इसमें होता है, इसके साथ साथ सी स्पैनर और टेस्ट पीस हमारा दो चीज़ इसमें दिया हुआ होता है। ये दोनों का भी यूज क्या है वो सब हम लोग आगे बात करेंगे क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइक्रोमीटर, इसी के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम बताएंगे वहाँ पे पिक्चर में देखना है और उसके साथ साथ हम यहाँ ओरिजिनल में भी उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का माइक्रोमीटर, सेम दिख रहा है ये माइक्रोमीटर है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, इंट्रोडक्शन। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर हमारा एक सूक्ष्ममापी औजार है। क्या है? सूक्ष्ममापी औजार है, जिसको प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम माप को हम लोग माप सकते हैं। तो कितना सूक्ष्मतम माप हम लोग इससे माप सकते हैं? तो अगर हम लोग इसको ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे इंच में, तो हम लोग 0.001 इंच के एक्यूरेसी में हम लोग इससे चेक कर सकेंगे। वही अगर हम लोग इसको मैट्रिक सिस्टम में देखेंगे तो हम लोग कितना में चेक कर पाएंगे? 0.01 mm के एक्यूरेसी में हम लोग चेक कर पाएंगे। एक हमारा क्या हो गया, ब्रिटिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, कितना के सूक्ष्मता में हम लोग इसको माप कर सकते हैं। ये सूक्ष्मता कैसे इतना होता है वो लिस्ट काउंट जब निकालेंगे तो वहां पे आपको अच्छी तरह से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग माइक्रोमीटर का जान लिए, अब हम लोग माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल जानते हैं, सिद्धांत, किस सिद्धांत पे हमारा माइक्रोमीटर काम करता है। तो हमारा माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर स्क्रू या नट बोल सकते हैं उसको। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। हमारा स्पिंडल में भी हमारा क्या होता है, इसके स्पिंडल में हमारा एक साइड में थ्रेड कटा हुआ रहता है जो कि हमारा फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसके साथ हमारा स्पिंडल के साथ हमारा क्या थिम्बल लगा हुआ होता है, जिसमें हमारा एक स्लीव में हमारा इंटरनल थ्रेड रहता है और स्पिंडल में हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ रहता है, जो दोनों आपस में मैच करते हुए क्या करता है, ये नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके प्रिंसिपल को जान लिए। अब हम लोग इसके लिस्ट काउंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हम लोग उसको बोलेंगे जितना हम लोग इससे सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम माप हम लोग ले सकते हैं, उसी को उसका क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। मतलब कोई भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई भी मेजरिंग टूल्स हो, उससे जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म माप लेंगे वही उसका लिस्ट काउंट होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग स्टील रूल देखे होंगे, स्टील रूल में हम लोग क्या देखते थे, उसमें कुछ इस प्रकार से रिलेशन बना हुआ होता था जिसमें हमारा क्या होता था, 1 mm 2 mm 3 mm इस तरह का कंटिन्यूअस बना हुआ होता था। उसी में क्या था, कुछ डिवीजन तक बीच में छोटा छोटा एक डिवीजन रहता था जिससे 0.5 mm का बांट दिया जाता था। उससे ज्यादा हम लोग उससे सूक्ष्मतम माप नहीं ले सकते थे, लेकिन इसमें प्रिसीजन इसीलिए इसको बोलते हैं कि उसको भी एक्यूरेसी में और ज्यादा सूक्ष्म में बनाया है, जिसके कारण हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 0.001 इंच के एक्यूरेसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में चेक कर सकते हैं और मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm के एक्यूरेसी में हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब उतना छोटा, तो वो कितना हो गया, जैसे हमारा
एक एमएम का सौवा भाग, सौवा का एक भाग हमारा इस माइक्रोमीटर से हम लोग चेक कर लेते हैं, कितना, एक एमएम का सौवा भाग का एक भाग, मतलब एक एमएम को हम लोग सौ भाग में बांटेंगे और उसका एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका लिस्ट बना लेंगे। वही जब हमारा क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या हो जाता है, एक इंच को 1000 भाग में बांट दिया जाता है, एक इंच को 1000 भाग में बांट दिया जाता है, जहां से हम लोग क्या करेंगे उसका लिस्ट काउंट को निकालते हैं। एक इंच का 1000वां भाग जो होगा हमारा वही उसका सूक्ष्मतम माप होगा, जो सूक्ष्मतम माप को ही तो हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्लियर है, लिस्ट काउंट क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमारा आ गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसको बोलेंगे, बनावट, कि हमारा जो ये माइक्रोमीटर है किस किस पार्ट से मिलके हमारा ये बना होता है। क्लियर है, माइक्रोमीटर हमारा किस किस पार्ट से मिलके बना होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माइक्रोमीटर हमारा किस किस पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारा सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया फ्रेम, यहाँ देख सकते हैं उसको लिखे हुए क्या है फ्रेम, ये हमारा इसका क्या हो गया फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के बाद हम लोग दूसरा पार्ट से देखते हैं। फ्रेम में हमारा एक साइड में क्या लगा हुआ होता है एनविल, तो एनविल किसको बोलेंगे, एक छोटा वाला जो लगा हुआ होता है एक साइड में, ये छोटा वाला, इसको हम लोग एनविल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एनविल। क्लियर है, ये एनविल हो गया। दूसरा तरफ हमारा फ्रेम के साथ क्या जुड़ा हुआ था स्पिंडल, ये हमारा स्पिंडल हो गया, जो कि हमारा किसके साथ, ये थंबनेल है, इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है, थिम्बल है ना, इसके साथ हमारा ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है, तीसरा फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसी में फ्रेम में हमारा क्या होता है एक लॉक नट लगा हुआ होता है, यहाँ देख सकते हैं एक लॉक नट लगा हुआ है। इसका क्या कार्य हो जाता है, तो जब हम लोग कोई भी चीज का रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद हम लोग किसी और को देखने देते हैं, चेक करने देते हैं, उस दौरान क्या होता है, जैसे हमको कुछ रीडिंग लेके दिया, हम हाथ में पकड़ना चाहे तो यहाँ से हम लोग पकड़ लिए, कभी भी माइक्रोमीटर को फ्रेम से पकड़ेंगे, ना कि यहाँ पे थिम्बल को हम लोग पकड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया हम पकड़े, क्या हुआ, घूम गया, तो ग्रेजुएशन हमारा बिगड़ जाएगा। वही यहाँ पे लॉक नट लगा हुआ रहेगा, हम लोग इससे लॉक नट को लॉक भी कर देंगे, उसके बाद अगर बाइक में हम पकड़ भी लेंगे तो हमारा ये घूमेगा नहीं, क्यों, स्पिंडल हमारा क्या हुआ रहेगा, लॉक हुआ रहेगा, क्या रीडिंग है उसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा एक लॉक नट दिया हुआ था, तो उसका क्या यूज हो गया, स्पिंडल को लॉक करना है। क्लियर, उसके बाद फिर इसके आगे देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया स्लीव, तो स्लीव किसको बोलेंगे, ये वाले हिस्से जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लीव। ठीक है, स्लीव के ऊपर हमारा ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है। क्लियर है, स्लीव के ऊपर ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है, और एक बीच में ये जो लाइन होता है, ये वाला लाइन जिसको यहाँ भी दिखाए हुए हैं, ये वाला लाइन जो हमारा होता है, ये वाला लाइन को हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेटम लाइन, यहाँ जो दिया हुआ ये हमारा क्या हो गया डेटम लाइन। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारा माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन किस पार्ट पे किया हुआ था, तो स्लीव या फिर बैरल के ऊपर किया हुआ होता है, मेन डिवीजन और सब डिवीजन, कौन सा ग्रेजुएशन, तो मेन डिवीजन और सब डिवीजन, और दूसरा ग्रेजुएशन हमारा होता है थिम्बल, जो कि थिम्बल डिवीजन होता है। क्लियर है, तो स्लीव बैरल का क्या यूज है हमको पता चल गया। अब हमारा स्लीव या बैरल जो है इसी में हमारा इंटरनल थ्रेड कटा हुआ होता है। अब उसके बाद चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं थिम्बल, थिम्बल में हमारा क्या होता है थिम्बल डिवीजन बना हुआ होता है, जो कि क्या होता है हमारा लिस्ट काउंट जो हम लोग निकालते हैं, इसमें जैसे एक एमएम हाफ एमएम में हमारा स्लीव या बैरल में बना हुआ होता है, उसी हाफ एमएम को 50 भाग में बांट के हमारा स्लीव के ऊपर दर्शाया गया, तो हम लोग यहाँ देख पाएंगे 0 से लेकर 50 तक के भाग में हमारा ये बटा हुआ है, 0 से लेकर के 50 तक के भाग में हमारा ये बटा हुआ है, 50 भाग में उसको बांट देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे थिम्बल। अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे रेचेट स्टॉपेज, ये क्या हो गया हमारा रेचेट स्टॉप, तो इसका क्या यूज है, इसका जरूरत क्यों पड़ा रेचेट स्टॉप को, तो जैसे देखो कोई एक ताकतवर आदमी है कोई एक पतला दुबला आदमी है, जब हम लोग माइक्रोमीटर यूज करने देंगे तो जब जिसका जितना ताकत होगा वो उतना ताकत से दबा देगा, किसी का कम ताकत है कम दबाव दे पाएगा, उस समय क्या होगा उसका लीड जो हमारा स्क्रू है थ्रेड है उसका थ्रेड भी हमारा खराब होने का डर रहेगा, प्लस वेरिएंट हमारा ग्रेजुएशन रीडिंग हो पाएगा, जिसका ज़्यादा प्रेशर था ज़्यादा दबा दिया कम आया, जो कमज़ोर था थोड़ा कम दबा पाया, तो ऐसा ना हो
उसके चलते इसमें एक हमारा क्या किया गया है, रेचेट स्टॉक का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक निश्चित प्रेशर पे, कम ताकतवर हो या अधिक ताकतवर हो, एक निश्चित प्रेशर पे ये ऑटोमेटिक चटरिंग का आवाज करते हुए वर्क करना बंद कर देगा। जैसे एग्जांपल हम दिखा देते हैं, जैसे इस चॉक को ही हम लोग इसमें रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो एक निश्चित प्रेशर देने के बाद वो चट चट का आवाज करते हुए बंद हो जाएगा, जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा रीडिंग, तो इसको जब भी घुमाएंगे तो रेचेट स्टॉक का प्रयोग करते हुए घुमाएंगे। यहां देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई ताकतवर हो या कमजोर हो, उससे कोई मतलब है क्या? सब एक निश्चित प्रेशर से प्रेशर दे रहा है ना, तो ऑटोमेटिक रेचेट स्टॉक क्या काम करना बंद कर। तो हमारा जो इसका प्रेशर हम मापे, कमजोर आदमी मापे, हट्टा कट्टा आदमी मापे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जैक्ट जो उसका ग्रेजुएशन है, जो डायमेंशन है, वो हमारा एग्जैक्ट माप हो पाए, इसलिए इसमें रेचेट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे बॉक्स में हमको एक सी स्पैनर दिया हुआ होता है, तो सी स्पैनर का क्या यूज हो जाता है? तो सी स्पैनर का हमारा यूज होता है इसमें, सी स्पैनर का हमारा इसमें यूज हो जाता है क्या? इसका जब हम लोग क्या करते हैं, इरर को सेट करना होगा, उसमें हम लोग उसका प्रयोग करें, इरर को चेक करने के लिए, क्लियर है। इरर को सेट करने के लिए, जैसे हमारा जब माइक्रोमीटर में इरर आ जाता है, माइक्रोमीटर को कॉन्टेक्ट पॉइंट तक लाते हैं, उसके बाद जो हमारा इसमें इरर अगर कुछ दिखेगा तो उसमें हम लोग इस तरह से सी स्पैनर का प्रयोग करते हुए हम लोग इरर को चेक ठीक करेंगे, ठीक है। इस तरह से सी स्पैनर इसमें लगता है, बहुत बार वाइवा वगैरह में आ जाता है, सी स्पैनर हम लोग यूज ही नहीं कर पाते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग सी स्पैनर को यहाँ से यूज करते हुए स्लिप को घुमा के हम लोग इरर को ठीक कर लेंगे। दूसरा ये हमारा है टेस्ट पीस, ये टेस्ट पीस का क्या यूज हो जाता है, यही टेस्ट पीस का यूज यही हो जाता है। हम लोग जब इरर चेक करना होगा, हमारा माइक्रोमीटर में इरर है क्या नहीं है, उसको चेक करने के टाइम में ही हमारा ये टेस्ट पीस का यूज किया जाता है। जैसे इसको इस तरह से प्रयोग किए, अब हम लोग इसको रख दिया, रेचेट स्टॉक का प्रयोग करते हुए गए। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा ये जो डेटम लाइन है, ये जो डेटम लाइन है, बोलने का मतलब ये जो डेटम लाइन है स्लीव का और इसका थिम्बल का जीरो आपस में मैच किया है कि नहीं। अगर हम लोग कॉन्टैक्ट एकदम अंतिम पॉइंट में ले लिए, या 25 mm का बना हुआ होता है टेस्ट पीस, 25 mm का, 25 mm का बीच में टेस्ट पीस लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि ग्रेजुएशन मेरा यहाँ पे 25 mm खुला है कि नहीं, और उसके साथ हमारा जो थिम्बल का जीरो है वो डेटम लाइन के साथ मैच किया है कि नहीं। अगर मैच करता है तो हमारा सही है, अगर नहीं मैच किया तो हमारा उसमें क्या है, इरर है। हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा हमारा इसमें इरर है, थोड़ा सा, कितना, 1 mm का हमारा इसमें इरर है। हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से हम लोग स्पैनर को लेंगे, स्पैनर को इस तरह से लगा देंगे, 1 mm हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाते हुए इसका इरर को सही कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरा इरर क्या हुआ, कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से इरर को भी हम लोग ठीक करेंगे। तो एक ही क्लास में बहुत चीज का इसमें डिटेल हम लोग ले लिए। अब इसका हम लोग रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका रेंज हमारा क्या होता है। हमारा ये 25 mm के रेंज में पाया जाता है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरह के रेंज में हमारा ये माइक्रोमीटर पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग आज का क्लास में क्या चीज जान लिए, माइक्रोमीटर क्या है, उसका किस सिद्धांत पे वो हमारा कार्य करता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका बनावट किस किस पार्ट से मिलके हमारा बना हुआ है, तो उसके रेंज के बारे में हम लोग आज के क्लास में जाने, ठीक है। यहाँ तक मैं किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन में किसी को अगर दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के वीडियो में कोशिश करेंगे उसको दूर करते हैं।